आतंक का पर्याय बने बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से 3 बदमाश हुए घायल जबकि 1 हुआ फरार। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 3 बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिए गए। बताया जा रहा है कि पकड़े गए बदमाश दिल्ली NCR में लगातार लूट की वारदातों को अंजाम देकर दहशत फैलाई हुई थी। पकड़े गए बदमाशों पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। एक दिन में इन बदमाशों के द्वारा 30 से 40 मोबाइल लूट की वारदातों को अंजाम दिया जाता था। पुलिस ने घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जबकि पकड़े गए बदमाशों का एक साथी फरार हो गया है जिसकी तलाश में कॉम्बिंग की जा रही है। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा, एक मोटरसाइकिल, 3 तमंचे, जिंदा कारतूस और 7 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। नोएडा के सेक्टर 58 थाना पुलिस और बदमाशों के बीच उस समय मुठभेड़ हो गई जब पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए नोएडा में घूम रहे हैं, जिस पर पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। तभी पुलिस को बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल और एक ऑटो रिक्शा आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उनको रुकने का इशारा किया। बदमाश तीव्र गति से वाहन दौड़ाते हुए सेक्टर 57 रोड पर भागने लगे। पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई जिसमें पुलिस की गोली लगने से 3 बदमाश घायल हो गए जबकि इनका चौथा साथी बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने दौड़कर घायल बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश की पहचान दिल्ली निवासी गोलू व जगत और मनीष के रूप में हुई है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए बदमाश का दिल्ली NCR में आतंक था और एक दिन के अंदर ये बदमाश 30 से 40 लूट की वारदात को अंजाम देकर NCR में दहशत फैला देते थे। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए बदमाशों पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है जबकि उनके बाकी आपराधिक इतिहास खंगाले जा रहे हैं। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा के साथ ही चोरी की एक मोटरसाइकिल, 3 तमंचे, 1 चाकू और 7 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि फरार बदमाश की तलाश में कॉम्बिंग की जा रही है ताकि उसे भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा सके। थाना 58 क्षेत्र में आज लगभग 2-2.5 घंटे पहले बदमाशों द्वारा एक मोबाइल छीन लिया गया था जिसमें 2 बदमाश ऑटो पे थे और 2 मोटरसाइकिल पे थे। इनका अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसके पश्चात से लगातार पुलिस कॉम्बिंग कर रही थी और बदमाशों को सर्च कर रही थी। लगभग आधे घंटे पहले यहाँ पर पुलिस टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई। बदमाशों द्वारा जो फायरिंग की गई जवाबी फायरिंग में 3 बदमाश घायल हुए हैं और इनका एक साथी जो ऑटो पे था वो गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 7 मोबाइल, चोरी की एक मोटरसाइकिल, चोरी की एक ऑटो, 3 तमंचे, 6 कारतूस बरामद किए गए हैं। इन बदमाशों से जब पूछताछ की गई तो मालूम चला कि इस गैंग के ऊपर लगभग 5 दर्जन मुकदमे पूर्व में पंजीकृत हैं। इनमें गोलू नामक व्यक्ति जो है वो 302 में भी जेल जा चुका है और उसके ऊपर अब तक 46 अभियोग ज्ञात हुए हैं। इसके अलावा भी अन्य अभियोग हो सकते हैं। पूरे दिल्ली NCR क्षेत्र में इनका काफ़ी आतंक था और आज ही इन्होंने दिल्ली और गाजियाबाद क्षेत्र में लगभग 1 दर्जन मोबाइल लूटे थे। ये लूटने के पश्चात अपने चाचा को ये मोबाइल दे देते थे जो उनको बेचने काम करता था, उसे भी इसमें अभियुक्त बनाया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी करके शेष मोबाइलों की और इनके गैंग की जानकारी की जाएगी और उनके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, DCP नोएडा सर द्वारा जो टीम मुठभेड़ में शामिल रही और गिरफ्तार किया है उनको 15,000 रुपये का पुरस्कार देने का घोषणा की गई। एक अन्य बदमाश के ऊपर लगभग 8 मुकदमे ज्ञात हैं। तीसरे अभियुक्त की अभी जानकारी की जा रही है, नेट पे और हमारे जो सर्वर हैं उन पे देखा जा रहा है। अभी तक सब जोड़ के लगभग 5 दर्जन अभियोग ज्ञात हैं। अन्य अभियोग भी इनके हो सकते हैं चूँकि अभी जो आंध्र प्रदेश के अभियोग हैं उनको जिस सिस्टम पर देखा जाता है वो दिन में ही उसको देख पाएंगे। ये उम्मीद है कि इनके ऊपर 70 से 80 मुकदमे हो सकते हैं। इनका अपराध का केंद्र कौन सा क्षेत्र कहाँ था? इनका पूरा NCR क्षेत्र इनका है। दिल्ली, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, ये पूरे क्षेत्र में लगातार ये अपराध करते हैं और एक दिन में 15-15, 20-20 मोबाइल भी छीनने की बात प्रकाश में आई है जिसकी पुष्टि की जा रही है, इसकी छानबीन की जा रही है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।